अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्रतियोगिता मंत्रा चैनल को यूट्यूब पर, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप एसएससी एग्जाम्स के फ्री कोर्स के लिए उस लिंक पर क्लिक करके प्रतियोगिता मंत्रा को अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करते ही एसएससी एग्जाम्स के लिए जितने भी कोर्सेज हमने दिए आप उन सभी कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे। सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं। आप चाहें तो अकेडमी की लर्निंग ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्रतियोगिता मंत्रा और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक एग्जाम्स के फ्री कोर्स के लिए आईबीपीएस मंत्रा को और रेलवे एग्जाम्स के फ्री कोर्स के लिए आरआरबी मंत्रा को फॉलो जरूर करिएगा। एसएससी ने अपनी साइट पर अभी एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस अपलोड किया है। नोटिस दिखाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा ही, पर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं एसएससी सीजीएल 2018 के एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में, तो आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज एसएससी सीपीओ 2018 खत्म हो गया है और ये वो नोटिस है जो एसएससी ने अपनी साइट पर अभी अपलोड किया है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करें एसएससी सीपीओ 2018 के लिए, तो वो थे करीबन 8,20,683। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सीपीओ 2018 में केवल 2,32,000 के आसपास एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 28.33%। मिनिमम 50% 40% तो छोड़ो, सिर्फ 28% यानी कि सिर्फ 28% एस्पिरेंट्स थे जो अपीयर हुए हैं सीपीओ 2018 के एग्जाम के लिए। टोटल 11 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है पूरा सीपीओ 2018 का एग्जाम, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा 25 मई 2019 को। अब बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मुझे एसएससी सीजीएल 2018 के एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एसएससी सीपीओ 2018 के भी एक शिफ्ट के सवाल दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। मैथ्स की भी अगर मैं बात करूं तो काफी टाइप सेम थी, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी। अगर मैं सारी शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊं तो रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी, जिसमें नॉन वर्बल जो थी वो आपकी बहुत इजी थी और वर्बल रीजनिंग जो आपकी थी वो इजी टू मॉडरेट थी। रीजनिंग में ऑड वन आउट और सीरीज से काफी क्वेश्चंस थे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स इजी तो थी पर थोड़ी कैलकुलेटिव थी। अच्छा, मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि डीआई के जो क्वेश्चंस थे वो शफल्ड थे। पूरे सीपीओ का जो पेपर था वो सेक्शन वाइज था, पर डीआई के जो क्वेश्चंस थे ना वो शफल्ड थे। मतलब आपको डीआई का एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको डीआई का दूसरा क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको डीआई का तीसरा क्वेश्चन दिखेगा। इस तरीके से जो डीआई के क्वेश्चंस थे वो शफल थे। इसके अलावा एरिथमेटिक ज्यादा पूछी गई है, करीबन 65% एरिथमेटिक थी और 35% ही एडवांस मैथ्स थी। इंग्लिश जो थी आपकी वो बहुत इजी थी। इंग्लिश सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस बार स्कोरिंग सेक्शन रहा है। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा अलग सा पैटर्न देखने को मिला है, जैसे कि एक ही सेंटेंस में मल्टीपल ब्लैंक्स फिल करने थे। वोकैब में काफी क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग करेक्शन से थे। अगर हम पीक्यूआरएस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की बात करें तो इसके क्वेश्चन नहीं थे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि मॉडरेट से टफ लेवल का था, और वो था जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल अवेयरनेस में आपको ये नोट करना है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछी गई। करीबन 50% ऑफ वेटेज जनरल अवेयरनेस सेक्शन का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से था। एक चीज तो बिल्कुल तय है कि सीजीएल 18 के लिए आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2018 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपको तीन चीजों पर खास ध्यान देना है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको डेली करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मस्ट है। आपको चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और तीसरी चीज है स्पीड। स्पीड आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखनी है अपने एग्जाम में। एक अपडेट मुझे आप सबको देना है, अभिनय शर्मा का जो एरिथमेटिक का कोर्स है उससे रिलेटेड। आप सब इस कोर्स में 28 मार्च से पहले पहले ही एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 28 मार्च से पहले पहले प्रतियोगिता मंत्रा रेफरल कोड यूज करके ₹900 में एक महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इस ₹900 में आपको अभिनय शर्मा के एरिथमेटिक के कोर्स के अलावा वाईफाई स्टडी के भी काफी कोर्सेज मिलेंगे और बाकी सभी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के सारे पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे वन मंथ के लिए। आप सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने वाला लेंगे तो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा, करीबन ₹600 पर महीना पड़ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको बस प्रतियोगिता मंत्रा रेफरल कोड एंटर करना है और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग वैलिडिटी चूज करके पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। टीएसडी वाला जो कोर्स है टाइप वाइज वो भी अब पब्लिश हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी टाइप वाइज कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, आप सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मेल करना चाहे मेल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करना चाहे तो अनअकैडमी पर जाके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ख्याल रखिए सारे, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।